गाइस, इधर देखिए फौजी साहब का न्यू हेयर कट कैसा लगा आप सबको? हाँ कैसा ये देखिए जा रहे हैं ऑफिस। चलो फिर बाय बाय। फाइनली फौजी साहब चले गए ऑफिस और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कल रात में कपड़े वगैरह धुले थे जो कि अब ये सूख चुके हैं, तो चलो इनको मैं फटाफट अंदर कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं ब्लॉग अच्छे से स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैंने कल कमला मार्केट से क्या क्या शॉपिंग किया वो सारी चीज़ें हम आप सबको दिखाते हैं। और एक बार देख लीजिए बाहर का वेदर और यहाँ का सीन। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फिर से मैं आ गई एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि फौजी साहब चले गए ऑफिस, तो अभी मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से फ्री। मतलब लंच वंच प्रिपेयर करने बट अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आज मंडे है, कल संडे था, तो कल हम लोग चले गए थे थोड़ा सा मार्केट, कमला नगर मार्केट जो हम जाते हैं अक्सर, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और हमने कई बार कमला नगर मार्केट को एक्सप्लोर भी किया है, तो मैंने कल वहाँ से कुछ अच्छी सी चीज़ें लाई। वैसे तो मैं चीज़ें हमेशा लेके आती हूँ बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, पर मुझे कल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो फाइनली मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी। जो मैंने किचन सेक्टर से चीज़ें लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जो भी लेडीज़ आइटम है, मतलब जैसे इयर रिंग्स वगैरह हो गया, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो बने रहना हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू, और ब्लॉग अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टार्ट कहाँ से करूँ? सबसे पहले मैंने बहुत सारे इयर रिंग्स लाए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। वैसे कमला नगर मार्केट दिल्ली, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इयर रिंग्स से। देखिए मैंने कितनी इयर रिंग्स लेके आई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए सबसे पहला इयर रिंग्स ये है झुमकी वाला, एक मिनट उलझा हुआ है। ये आपको अपने हेयर से, मतलब पहन के हेयर को टक करना है, तो काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ये वाला इयर रिंग्स पहनूँ, ऐसे करके आपको पहनना है। सो फाइनली अभी मैं पहन के नहीं दिखा पा रही हूँ बट, और ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, गोल्डन कलर में है, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो मैंने इसको रख लिया था। और इसके साथ इसका सेट मार्क टीका भी है, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, गोल्डन सेट में है। अगर आपको भी इसे पहनने हुए, मुझे पहनने हुए देखना चाहते हैं तो मैं रील्स वगैरह शूट करूँगी पहन के। ये देखिए इसको अच्छे से टक कर लो, काफ़ी अच्छा लगने वाला अगर आप अच्छा मेकअप कर लोगे। तो फर्स्ट मेरा सेट ये हो गया, गोल्डन कलर सेट है, बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, अभी से ये देखिए सेकंड इयर रिंग्स कुछ इस तरह हो गया। ओ सॉरी, इसे आप सूट वगैरह में वेयर करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छी प्राइस में ये भी मुझे मिल गया और बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो सेकंड ये हो गया, इसको आप सूट वगैरह में ट्रेडिशनल वेयर कर सकते हैं। तो सेकंड ये हो गया, ये देखिए थर्ड इयर रिंग्स, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में चल रहा है आजकल,
तो ये भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि बाहर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया कि आपको हमारी आवाज़ आए। तो ये देखिए, ये मेरा थर्ड ईयर रिंग्स है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ये आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, आप सूट वगैरह में वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सूट। वैसे मुझे रील्स वगैरह शूट करनी होती है। ईयर रिंग्स मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग कमेंट करिएगा आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा। अभी मैं आपको चौथा ईयर रिंग्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी आप सूट वगैरह में, ट्रेडिशनल पंजाबी सूट वगैरह में अच्छे से वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है ये भी। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको भी रख लेती हूँ। तो ये मेरे चार ईयर रिंग्स हमने लाए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आप सबको दिखाती हूँ। आई थिंक ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा, और बोरिंग लगे तो स्किप कर लीजिएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये हुडा ब्यूटी का आईपैड। मुझे थोड़ा सा ग्लासी चाहिए था शाइनिंग वाले, सो मैंने इसको लेके आया। पैड मुझे चाहिए था, इसमें सारे ड्रेस के मैचअप हैं, तो मैंने इसको रख लिया, मुझे अच्छा लगा ये। तो ये आई पैडेड है, वैसे मेरे पास सिंपल है, बट मुझे ये ग्लॉसी वाला थोड़ा सा चाहिए था, शाइनिंग वाला, सो मैंने इसको रख लिया। नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पे ये देखिए, ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर का कलर है, ये भी मैंने मॉल से लिया था इसको। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने जूड़ा लिया है, हेयर जूड़ा एक्सटेंशन, काफ़ी सेट कर लो, कितना प्यारा लगेगा। तो ये है, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जूड़ा एक्सटेंशन है, इसको आप इजीली अपने जूड़ा बना के उस पर टक कर सकते हैं इजीली। तो ये रहा, और नेक्स्ट दिखा दूँ, ये रहा हुडा ब्यूटी की इतनी सारी लिपस्टिक, क्योंकि मुझे डेली लेना पड़ता था लिपस्टिक, मुझे हर कलर की लिपस्टिक चाहिए, मैं रील्स वगैरह शूट करती हूँ, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे ये भी मिल गई, मॉल से मैंने इकट्ठे ले लिए थे। तो ये रही लिपस्टिक, सारे कलर अवेलेबल है इसमें, तो ये मैंने रख लिया था, मुझे अच्छा लगा। कौन डेली डेली लाए, इस कलर का भी चाहिए, इसका, तो फिर मैंने इकट्ठा रख लिया था इसको। तो ये देखिए, और फिर मैंने ये दो आईलेसेस एक्सटेंशन, फिर ये तो मैं आईलेसेस एक्सटेंशन रख ली थी, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने इसको रखा है। फिर मैंने लिया चूड़ी, ये देखिए, 1, 2, 3 टाइप की मैंने चूड़ियाँ रख ली थी, क्योंकि मुझे अच्छी लगी, सो मैंने 3 सेट चूड़ी रख लिया था। यहाँ तो मुझे काम की नहीं है, बट ससुराल जाती हूँ, वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ये चूड़ी रख लिया था 3। और तो सारी किचन की चीज़ें हैं, और मैं आपको क्या दिखाऊँ, ये बिंदी लाई थी मैं, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और क्या दिखाने लायक है, क्या दिखा दूँ मैं आप लोग, ब्लॉग कुछ बड़ा ही हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।